नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने कवर किया था प्रथमा व्यक्ति, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कारक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, विभक्तियों को समझ लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं, खूब आते हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम एंड एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छे से शांति से पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कमेंट पर थोड़ा हम कम ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग बार बार कहेंगे कि कमेंट ये नहीं वो नहीं, सारे लास्ट में कमेंट ले लेंगे। लेकिन क्योंकि ये कारक है, कारक में दिमाग भटका, मतलब क्या बोलते हैं, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक को, प्रथमा व्यक्ति को पढ़ लिया, और जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, कहा कि द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह वगैरह पता ही आपको है ना, जो कि पहली पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने बता ही दिया। कर्तु रीप्सित तमम कर्म, ये कहता कर्तु माने कर्ता, ईप्सित माने चाहने वाला। ठीक है, उसमें कर्म संज्ञा होती है। कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहे चाहता है, उसकी कर्ति संज्ञा होती है, कर्ता संज्ञा होती है, राइट। इन चीजों को विशेष कर आप लोग जानिएगा। जब कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, ये कहता कर्ता जिस क्रिया को चाहता विशेष रूप से, क्रिया के द्वारा वो क्रिया कर रहा है, लेकिन कर्ता चाह रहा है कि ये मैं, मेरे पास आए, मैं इसको देखूं, मैं करूं, ये सब चीजें, तो वहां आपकी कर्ति संज्ञा होगी। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं है, बताइए पहले तो। ठीक, हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जैसे एक पूरा वाक्य में ले ले तो, रामा ग्रहम गच्छति, इसकी हिंदी होगी राम घर को जाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें कर्ता कौन है? ठीक है, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता राम है, कर्म घर को जाता है, तो भैया कर्ता किसको चाह रहा है? कर्ता किसको चाह रहा है? कर्ता ये चाह रहा कि मैं घर को जाऊं, कर्ता ये चाह रहा विशेष रूप से, किसको चाह रहा है? मैं घर को जाऊं, तो घर शब्द में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्त नहीं है, कर्म संज्ञा ले लीजिए। ठीक है, तो घर की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा का मतलब क्या? कुछ लोग इस पर अटके हुए हैं कि कर्म संज्ञा होती क्या है। तो एक सूत्र है कर्मणि द्वितीया, ये कहता है जिस शब्द की कर्म संज्ञा होती है, उस शब्द में द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर विशेष कर ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज करता हूं। तो रामा में प्रथमा है ही, लेकिन हमें मतलब क्या है? मतलब है जिसको जा रहा, कहां जा रहा? घर को। तो घर में क्या है? कर्म संज्ञा हुई घर की, कर्म संज्ञा का फल हो तो शब्द में द्वितीय व्यक्ति हो जाना, तो ग्रहम जो बना है ये द्वितीय व्यक्ति का हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा इसमें कि ग्रहम शब्द में या निम्नलिखित में से इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, ऐसे कर देंगे, रेखांकित रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, कौन सा कारक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? कारक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, कमेंट पर विशेष कम ध्यान दो। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ इसको एक बार, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे मैंने उदाहरण लिया, फिर एक और लेता हूं। छात्रा विद्यालयम गच्छति। ठीक है, इसमें देखिएगा कर्ता कौन है? छात्र। कर्म कौन है? विद्यालय। क्रिया कौन है? जाता है। ठीक, अब देखिएगा सूत्र के अकॉर्डिंग, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। कर्ता किसको चाह रहा है? कि मैं विद्यालय पहुंच जाऊं, ये कर्ता है और ये एक विद्यालय है। ठीक है, हाँ समझिए, तो कर्ता ये चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से विद्यालय पहुंच जाऊं। तो वह अभीष्ट क्या है, मुख्य रूप से क्या है? विद्यालय पहुंचना। तो विद्यालय शब्द की क्या होगी? इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा का मतलब क्या होता है? फिर सूत्र आएगा दूसरा, कर्मणि द्वितीया।
ये आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान ना हो, यहां समझा रहा हूं। कर्मर द्वितीया से क्या होती है, द्वितीया व्यक्ति हो जाती है उसी शब्द में जिसकी कर्म संज्ञा हुई हो। तो विद्यालय में कौन सी होगी, द्वितीया व्यक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछ लेगा कि निम्न में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और रेखांकित कर देगा यदि अंडरलाइन नीचे, तो आपको बताना विद्यालय, ऑप्शन देगा हुआ छात्र, विद्यालय, गच्छति या उपयुक्त में से सभी। ओके, चलिए आप समझ में आ गया। अब देखो, ये देखो, यही आ गया कर्म द्वितीया। ये कहता है कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो वैसे ही जैसे मैंने फिर उदाहरण लिया, सा नगरम गच्छति। अब इस वाक्य में कारक कौन सा है जरा बता, कमेंट बॉक्स में बताए फटाफट। भक्ता हरिम भजति, इस वाक्य में किस शब्द में द्वितीय व्यक्ति हुई है, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। वाल का, मैं आपको समझा रहा हूं, वाल का फलानी खादन्ति, बालक फल को खाते हैं, इस रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो भैया नगर में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि वह नगर को जाता है, वह हरि को भक्ता है, अगर हरि ना होंगे तो भजन किसका करेगा, है ना, हाँ। और बालक फल को खाते हैं, अगर फल ही ना हो तो बालक किसको खाएंगे, तो अभीष्ट क्या है, फल खाना, अभीष्ट क्या है, हरि को भजन करना, अभीष्ट क्या है, नगर को जाना, ठीक है। तो इन सभी में क्या होगी, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक हो जाएगा, किस सूत्र से, कर्तु रिप्सित तमम कर्म, ठीक है, और कर्मर द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो इन चीजों को आप लोग जब वाक्य बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो इसका प्रयोग होता है, समझ गए। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही अभीष्ट है और इंपोर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है, अखतितम चा सूत्र है, ये कहता है अपादान संप्रदान कारण आदि कारकों के द्वारा अविच्छित कारक कर्म संज्ञक होता है। मतलब क्या है, अविच्छित क्या है, मतलब क्या है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हुए पेड़ से गिरता है, तो जहां से आ जाए अलग होने अर्थ में, वहां अपादान कारक होगा, के लिए आ जाए वहां संप्रदान कारक होगा, से के द्वारा करण होगा, तो अर्थ तो ये होगा, लेकिन ये सूत्र रोक देगा, कौन सा, अघतितम च, आगे मैं समझाऊंगा अघतितम च। ये कहता है कि जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इन धातुओं पर मेरा ही जोर चलेगा, और कोई सूत्र इस पर कोई काम नहीं करेगा, मेरा राज्य है, मैं देखूंगा इन सभी को, ठीक है, हाँ। तो कौन कौन सी धातुएं हैं, दुही याच पच दंड रुद्र प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री कृष वह, ये इन धातुओं के योग में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति हो जाती है। चलिए नोट में क्या लिखा, इन 16 धातुएं एवं इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान संप्रदान करण आदि की कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है। इन्हीं को हम गत्यार्थक भी कहते हैं, गत्यार्थक कहते हैं, इन्हीं को हम द्विकर्मक कहते हैं, इन्हीं को हम और क्या कहते हैं, और भी कहते हैं। तो अगर इन धातुओं के योग में और भी कोई धातुएं आती है इसी अर्थ को देने वाली, तो उसमें भी द्वितीय व्यक्ति होती है। इतने ही बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, वेरी गुड, बिल्कुल सही। समझने पर ध्यान दो, कमेंट पकड़ो, समझने पर पकड़ो पकड़ो एकदम। तो कहा कि द्वि धातु जहां आएगी, याच आएगी, पच आएगी, अब देखिए कैसे आएगी, चलिए इनके रूप चलते हैं। तो पहला पॉइंट, द्वि धातु, द्वि का अर्थ होता है दोहना, कहा कि वह गाय से दूध निकाल रहा है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं गाय से दूध निकालता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपादान संप्रदान और करण, है ना। तो अब देखो ये वाक्य क्या कह रहा है,
ये गाय है ये दूध है, दोनों इससे अलग हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? गाय से दूध अलग हो रहा, दूध गाय से अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होना चाहिए? होना चाहिए अपादान, होना चाहिए कि नहीं अपादान? लेकिन सूत्र आएगा अखतितम चा, सूत्र क्या आएगा? अखतितम चा। ये सूत्र कहता है नहीं, अपादान नहीं होगा, बांध देता है कि इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसमें क्या होगा? अखतितम चा द्वितीया ही विभक्ति होगी, और द्विकर्मक धातु है तो दो दो कर्म होंगे इसमें। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए अब देखिए दो कर्म कैसे होंगे, तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ग्वाला धेनुम, ठीक है, दोग्धम दोग्धि। ग्वाल जो है वो गाय से दूध को देता है, गाय से अलग हो रहा है, तो देखो यहां ग्वाला में प्रथमा व्यक्ति है और धेनुम और दुग्धम में द्वितीया व्यक्ति है, ये पहचान है किसकी? द्विकर्मक धातुओं। ठीक है, दूसरा है याच धातु, देखिएगा हरि वलिम वसुधाम, हरि वलिम वसुधाम याचते। याच धातु है कि नहीं है? याच धातु, द्वि धातु, तो याच माने मांगना। हरि जो है भगवान वामन जब थे तो बलि से वसुधा माने पृथ्वी को मांगते हैं, तो देखिए बलि में द्वितीय व्यक्ति है और वसुधाम में भी द्वितीय व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है? कर्म कारक है, इनकी कर्म संज्ञा हुई है किस सूत्र से? दोनों की, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और वही सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आगे बात करते हैं, चलिए पच धातु पकाने अर्थ में होती है, कि माता तंडुलान ओदनम ओदनम पचति। ठीक है, पचत माने पकाता, पचते पचता पचंती, याचते याचेते याचंते, ऐसे चलते हैं धातु। तो माता में प्रथमा व्यक्ति है, लेकिन तंडुलान में, तंडुल माने चावल, चावल, और ओदन माने भात। अब देखिए चावल एक तो है नहीं, बहुत से चावल हैं, तो यहां द्वितीया, द्वितीया बहुवचन का रूप लगा है तंडुलान, और ओदन में प्रथमा द्वितीया एक वचन का लगा है, तो भैया ओदन भात, भात बहुत से भात तो है नहीं, तो चावल अलग होता है भात अलग होता है, तो बताइए भात कौन खाता है, चावल कौन कौन खाते हैं? ठीक है, हाँ, तो तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात पकाती है। ठीक है, तो ये पच धातु के रूप में सूत्र यही लगेगा, आप समझ में आ गया? चलिए फिर आपको दंड देना, रुद माने रोकना। ठीक है, तो दंड देने अर्थ में देख लीजिएगा, राजा, ठीक है, चौरम सतम। अब इसमें कैसे पहचान? दंडयाति, दंडयाति, इस वाक्य में कौन कौन कर्म है जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगला लिख रहा हूं वाक्य, राजा शत्रुन, इससे ही अनुवाद बनते हैं, ध्यान रखना, दुर्गम रोड़ाद्धि, रोड़ाद्धि, राजा दुर्ग माने होता किला, शत्रुओं को किले से रोकता है, तो अर्थ तो अलग अलग होगा कि राजा चोर से 100 रुपए लेता है, दंड लेता है, तो 100 रुपए लेता है, शत्रुओं को रोकता है, दुर्ग से रोकता है, तो अर्थ का, अर्थ पर मत जाइए, ये केवल धातु पर जाइए। तो यहां पर देखिए चौरम बिल्कुल सही दिया है, चौरम सतम और शत्रुन दुर्गम, इन दो शब्दों में क्या होगा? कर्म हो जाएगा द्विकर्म, दो कर्म है, तो ऐसे आप पहचान द्विकर्मक धातुओं के योग में। ठीक है, आप कर लोगे। अब आपको मैं बेसिकली बहुत अच्छी एक साड़ी लेकर चल रहा हूं, इस साड़ी में आपको दिखाने के लिए कि देखो प्रच्छ धातु ऐसे ही पूछा जाएगा सीधा, गुरु शिष्यम प्रश्नम प्रच्छति, ये वाक्य आते भी हैं सीधा, तो ये बताइए कि इसमें शिष्यम में या प्रश्नम में कौन सा कारक है? ठीक है, तो शिष्यम प्रश्नम में क्या हो जाएगा? कर्म कारक। वृक्षम फलान में क्या हो जाएगा? कर्म कारक। शिष्यम धर्मम में क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक। शिष्यम में क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक। देवदत्तम सतम दंडेत क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, समझ में आ गया?
क्लियर है सभी को? अब यहाँ शिष्यम में यहाँ टाइपिंग है शिष्यम धर्मम शास्ति, धर्म के बारे में, धर्म का कल्याण हो ऐसा बताते हैं, ठीक है? हाँ क्षीरम, हाँ सुदाम क्षीरनिधम, तो सुदाम क्षीरनिधम में कौन सी धातु है वो, सॉरी कौन सा कारक है, कर्म कारक। यज्ञ दत्तम शतम मूर्छणाति, यज्ञ दत्त 100 रुपये देता है। कृषका धैनुम ग्रामम, कृषक की गाय जो है गांव से नयत माने ले जाता है, तो धैनुम ग्रामम में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है? चलिए 16 है ना, कृषका धैनुम ग्रामम, कहा कि जो गाय है उसको हरण करता है, चोरी करता है, कर्षति माने ले जाता है, धैनुम ग्राम बहाती ले जाता है, हरण करता है, क्या चीजें सब वही अर्थ आएगा, खींच कर ले जाना, बह कर ले जाना, कर्षत माने खींच कर, ठीक है, खींचना, हरत माने हरण करना और बहत माने बहना, तो ठीक है, तो बहन करता है, देता है, खींचता है, हरण करता है, तो ये ह्री कृष व इत्यादि के योग में, तो आपको मूल रूप यही देखना है, धैनुम ग्रामम धैनुम ग्रामम धैनुम ग्राम, मतलब दो कर्म आएंगे, ठीक है, समझ गए? तो ये थे आपके कर्म संज्ञक, कौन से, द्विकर्मक। केवल अब इसको यही टॉपिक को छोड़ दीजिए, एक नए सूत्र को लेकर फिर बात करेंगे। आदि सिंह अष्टासाम कर्म पता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ठीक है? हाँ बहुत ही अच्छे से। तो सी धातु है सोना अर्थ में, जो सोते हो ना रात को, भाई अस्था माने ठहरना, कहा है बहुत चल लिया ठहर लो यार, आज धातु होता बैठना, अब बैठ जाओ। इन तीन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग आए, क्या है, अधि उपसर्ग जुड़ा हो, तो इनके आधार की, आधार माने जहां बैठना, जहां रुकना, जहां सोना, उसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा का फल क्या है, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है? जैसे समझो, हम तीन ही बात पढ़ेंगे क्योंकि तीन धातु हैं, ओके। तो पहले ले लेते हैं कोई भी, चलिए सोना है, बैठना है या ठहरना है, चलो पहले ठहर लेते हैं, अस्था धातु, ठीक है, अस्था धातु ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं आस धातु, फिर ले लेते हैं सिंह धातु से। अब देखिएगा अस्था धातु में होता ठहरना, सभी जानते हैं, आस धातु में होता बैठना, ठहरना एक ही बात होती है, लेकिन धातु है भैया, धातु के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये कंडीशन तो ऊपर वाली लाइन होगी। अब ये कह रहे आदि उपसर्ग जुड़ा हो, ये विशेष है, ये विशेष है, इसको याद रखना, उसकी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। चलिए बाकी लेते हैं राजा सिंगा शनम आदि तिष्ठति, ठीक है, राजा सिंहासन पर बैठता है। अब राजा का आधार क्या है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं फटाफट। शिष्या आसनम अध्यास्ते, शिष्य आसन पर बैठता है, इसका आधार क्या, आधार की कर्म संज्ञा होगी, ये पूछ लेता है आदि सिंह अष्टासाम कर्म, ये कौन सा, किस कैसा सूत्र है, आधार सूत्र, कर्म संज्ञा सूत्र, और ये ऐसे पूछ लेगा आधार सूत्र और वार्तिक सूत्र, ठीक है, हाँ इत्यादि चीजें, सोना है भैया, कहाँ सोना है, तो कहीं भी सो लेंगे, जहां बताएं भाई सो लेंगे, तो बहुत ही अच्छा ले लेते हो उदाहरण, मुनि शिलाम आदि शेते, ठीक है, आप बताइए इन सभी का आधार क्या है, मुनि कहां सो रहे हैं, शिला पर, शिष्य कहां बैठा है, आसन पर, राजा कहां बैठा है, सिंहासन पर, और धातु में क्या, आदि उपसर्ग पहले है, ठीक है, आदि उपसर्ग पहले है, आदि शेते है पहले है। तो आदि सबसे पहले यहां देखना आपको, यहां कि आदि उपसर्ग पहले अस्था धातु है, तो द्वितीय व्यक्ति होगी पक्का, ये कर्म कारक हो जाएगा, अध्यास्ते है अधिशेते, ये पीछे पहले देखना है, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाने हैं। तो सिंहासनम आसनम शिलाम, इन शब्दों के में आदि उपसर्ग पूर्वक से क्या होगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, समझ गए? देखो फिर मैं आपको और भी एक दो उदाहरण बता दूं, शा पर्यंकम
शाह पर्यंकम आदिशेते, सा पर्यंकम आदिशेते। पर्यंक माने होता पलंग, क्या होता पलंग, ठीक है। तो भैया वह कहाँ सो रहा है, सेव कहाँ सो रहा है, आदि उपसर्ग लगा है, आदि उपसर्ग के योग में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो जाए, कर्म कारक हो जाए, पलंग पर सो रहा है। पलंग क्या आधार है, पलंग क्या है आधार है। तो भाई तो मैंने कहा आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा का फल हो जाए द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को, एनी कोई डाउट। हरि वैकुंठम आदि अध्यास्ते, अरे भाई ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अध्यास्ते, आस धातु है, हरि वैकुंठ में बैठते हैं, ठीक क्लियर। तो हरि कहाँ बैठे हैं, वैकुंठ में। तो आदि आदि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में यहां पर क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र अविनिविशेष्य, इनको विशेष ध्यान रखिए। ये कह रहा है अभी और नी, इसी क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु से पहले आए तो इनके आधार की कर्म, आधार के तीन सूत्र हैं। एक आप पढ़ चुके, उपानपद्यांग वसा, वो सॉरी आदि सिंहस्था साम कर्म, एक अग्नि विशेष्य, एक आएगा उपानपद्यांग वसा। ये तीन सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करते हैं, और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधार संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग देख लेंगे, एक ही उदाहरण लेना है, ज्यादा नहीं लेने, आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, एक भी लो। तो संता संता सन्मार, ऐसे लिखिए इसको, संता सन्मार्गम, सन्मार्गम आवि निविशते, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान दो लास्ट वाले पंक्ति पर, लास्ट वाले शब्द पर। विष धातु से तो बनता है विषते, विषेते, विषंते, ठीक है। और नी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, ठीक है। ये क्या कह रहा, अभी और नी इसी क्रम में आए, मतलब ये ना हो कि नी और अभी आए, नी और अभी आए, ऐसा ना हो, ये इसी क्रम में आए, अभी और नी और उसके बाद विष धातु आए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसका अर्थ क्या होता है, तो जो सज्जन संता माने सज्जन व्यक्ति, संता माने सज्जना या सज्जन, सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो भैया यहां पर जो सन्मार्ग में, अगर मैं के हिसाब जाओगे तो अधिकरण होना चाहिए था, लेकिन अधिकरण कारक नहीं होगा, सप्तमी व्यक्ति नहीं होगी, ओके। तो यहां सन्मार्गम में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक हो जाए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, खोपड़ी में घुसी के नहीं, घुसना मुश्किल है, दो तीन बार वीडियो को देखना, तो ये इंपोर्टेंट है। तो यहां किसके योग में, अविनिविशेष के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला सूत्र है उपानपद्यांग वसा। ये क्या, इस ये सूत्र बहुत पूछा जाता है, इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो उप अनु आदि और आंग, चार उपसर्ग हैं। इनमें से कोई उपसर्ग यदि बस धातु से पहले आए, पूर्व आए, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। चलिए इसमें हम चार वाक्य लेंगे, स्वयं लेंगे एक ही वाक्य, लेकिन चारों का प्रयोग करेंगे, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, कर्म कारक हो जाता है। जैसे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया है राजा नगरम, ओके, राजा नगरम अनुबसति, ठीक है, अनुबसति। अब देखो राजा नगरम, अब हम क्या कर रहे हैं, उपबसति, ठीक है। राजा नगरम अर्थ एक ही होगा, आदि वसति, ठीक है, समझ में आ गया। राजा नगरम
आवश्यक अंग रहेगा तो आवश्यक, क्लियर है। अब इसमें विशेष आपको ये शब्द देखने ये कि उप आदि अन्य अंग लगा है तो इससे पहले जो होगा उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो नगरम में इन सभी में एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। राजा नगर में रहते हैं, बस अर्थ क्या होगा, राजा नगर में रहते हैं, ठीक है। तो मैं शब्द लगा, इसमें सप्तमी अधिकरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से राजा रह कहां रहा है, रह कहां रहा है, नगर में, ठीक है। नगर क्या है, आधार है किसका, रहने का, तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा का फल है द्वितीय व्यक्ति होना, क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आज हम द्वितीय व्यक्ति पढ़ेंगे, केवल द्वितीय व्यक्ति कंप्लीट, ठीक है, अभी मत कहीं भागना, व्यक्ति कंप्लीट पढ़ेंगे पूरी। अंतरा अंतरेण युक्ति ज्यादा नहीं है तो आपके साथ हैं लगभग, और शायद सूत्र जो है 10 के समथिंग है, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। तो अंतरा अंतरेण युक्ति, अंतरा अंतरा का अर्थ होता मध्य बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता बिना, इन ये दोनों क्या अभ्यास शब्द हैं के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। चलिए दो वाक्य लेंगे केवल अंतरा और अंतरण के, चलिए तो कहा कि जैसे पहले किसका ले लें, अंतरा का ले लेते हैं, अंतरा का अर्थ होता मध्य बीच, ठीक है। दूसरा लेंगे अंतरेण का, अंतरेण का अर्थ होता बिना, किसके बिना, तो कहा कि अंतरा सीधा प्रयोग कर दो, ये शब्द सीधे प्रयोग होंगे, इसे ये और नोट कर लेना, अंतरा ग्रामम नदी प्रवाहती, ठीक है, अर्थ आप करना जानते हैं, नहीं जानते सीखो। कहा कि अंतरा माने बीच में, कहा कि किसके बीच में, गांव के बीच में नदी बहती है, तो गांव के बीच में नदी बहती है तो भैया किसके बीच में बह रही है, गांव के बीच में, तो गांव में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अंतरेण, अंतरेण क्या है, इसका अर्थ है बिना। तो मैं एक लिख दूं, मान लो अपने ऊपर ही ले लेता हूं, संस्कृतम, आप अपने अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि संस्कृत के बिना कोई भी सब्जेक्ट नहीं जानता हूं मैं, कुछ भी नहीं जानता हूं, कि संस्कृत के बिना कुछ भी नहीं जानता हूं, तो भैया किसके बिना नहीं जानता हूं, संस्कृत के बिना, तो संस्कृत में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। तो अंतरेण का मतलब क्या है, बिना, जिसके बिना आप न कर पाओ कुछ, न रह पाओ, न सोच पाओ, तो उस बिना के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब आपका फेवरेट है, अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे पी द्वितीया, ठीक है, हा प्रतियोगे पी द्वितीया, समझिए। तो अविता का अर्थ क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अविता का अर्थ क्या होता है, परिता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब इनके योग में एक वाक्य ले लो, ठीक है, हाँ समझ गए, एक एक वाक्य लेंगे, ग्रामम अविता, ग्रामम अविता बनम अस्ति, अनुवाद कर सकते हो, सीखो। ग्रामम मतलब गांव, अविता माने दोनों ओर, बनम माने वन, अस्ति माने है, कहा कि गांव के दोनों ओर वन है। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, चाहे वो कहीं लिखना, कोई भी वाक्य बनाना, कुछ भी बनाना, अगर इसका प्रयोग करना है तो ऐसा ही लिखा मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। तो भैया अविता माने दोनों ओर, किसके दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, ठीक है, किसके दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, क्या है, वन है, तो दोनों ओर वन है, अगर ऐसा अर्थ कर देते यहां पर कि दोनों ओर वन है, तो भैया एक सवाल पैदा होता कि किसके दोनों ओर बन है, कहा कि गांव के दोनों ओर, इसलिए यहां पर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब चारों ओर की ले लीजिएगा, विद्यालयम परिता
ठीक है, परिता वृक्षा संति। संत क्यों लिया? क्योंकि यहां पर वृक्षा बहुवचन है, यहां बनम एक वचन है, इसलिए अस्थिता, ठीक है, अस्थि अस्था संति। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। भैया चारों ओर किसके हैं? वृक्ष हैं। किसके हैं? विद्यालय के। तो विद्यालय में क्या हो जाएगी? कर्म कारक हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति। किस सूत्र से? अविता परता समयानिक्षा हा प्रतियोगी, द्वितीय सूत्र से। ठीक है, ये पूरा सूत्र है, मैंने अलग अलग लिखा है, मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समया, समया माने होता समीप, और निक्षा माने होता निकट। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपका निक्षा क्वेश्चन में दिया हो, निकट ऑप्शन में दिया हो, तो निकट ही लगाना, और समया दिया हो, समीप दिया हो ऑप्शन में, तो समीप लगाना। अगर समीप ना हो तब निकट लगाना, और इसमें भी निकट ना हो समीप हो तो समीप लगाना, तो सही माने जाएंगे, वरना ये गलत माने जाएंगे। ठीक है, जैसे ले लेता हूं एग्जाम्पल, लंकाम, आजकल लंका का बड़ा श्रीलंका का लफड़ा है, लंकाम समया सागरा अस्ति। ठीक है, सागरा अस्ति कि लंका के समीप सागर है, तो भैया किसके समीप सागर है? समीप सागर है लेकिन किसके है? लंका के। लंका में क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मुझे लगता है ऐसा क्योंकि थोड़ी चीजें आपको अगर क्लियर करनी है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी करता हूं। ओके, लंकाम निक्षा, ठीक है, वही उदाहरण लेता हूं तो उससे आप जो है समझते भी चलिएगा। या मैं लिख देता हूं हनिश्चति। ठीक है, हन धातु अनिश्चित बनेगा, लट लकार में भविष्यत काल के लिए। तो कहा कि लंका के निकट वो मारेगा, लंका के निकट मारेगा। ठीक है, तो यहां निक्षा के योग में लंका में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हा माने होता अफसोस, अफसोस अफसोस करना। तो हा कृष्णा भक्ता, कहा कि आपके कृष्ण के भक्त न होने पर अफसोस है। यहां देखिए संधि कर दी दीर्घ। ठीक है, क्यों? यहां क्या होगा? कृष्णा अभक्तम। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो कहा कि हमारे अफसोस, कहा कि अफसोस अफसोस है, क्यों? कि कृष्ण के भक्त नहीं हो, कृष्ण के भक्त नहीं हो इसलिए अफसोस है। तो यहां अफसोस के अर्थ में क्या हो जाएगी? अभक्त में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। प्रतिमाने होता और, प्रतिमाने क्या होता? और। ठीक है, तो कहा कि नगरम प्रति गच्छति। ठीक है, कहा कि वह नगर की ओर जाता है, तो प्रति के योग में यहां नगर में क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर है, समझिए। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। उभयता सर्वता अधिक उपरि परि अध्यधि अधोअधा, ये प्रश्न आपको बहुत मिलता है, बहुत पूछा जाता है, तो हम भाई एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, उभयता माने दोनों ओर, अर्थ को समझते चलिएगा, दोनों ओर चारों ओर, धिक माने है धिक्कार। ठीक है, हाँ, अब एक एक चीज समझते चलिएगा, सब केवल एग्जाम्पल की दृष्टि से। आप लोग बताएंगे इसमें किस में द्वितीय व्यक्ति हुई है। ठीक है, उभयता नदी वृक्षा संति। ठीक है, यहाँ एक मिनट ऐसे कर लीजिए, शांति। ठीक है, बताइएगा फटाफट बताइएगा। ओके, नगरम सर्वता, यही एग्जाम्पल आपके पूछे जाएंगे, सर्वता वृक्षा शांति, धिक का ले लीजिएगा, देख माने धिक्कार है, किसके? भाई कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अवक्त होने पर। ठीक है, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नदी में द्वितीय हो जाए, किसके? दोनों ओर वृक्ष हैं नदी के, नगर के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। धिक्कार किस पर है? अवक्त पर। तो
अवक्त होने पर तो अवक्तम में हो जाएगी, ठीक है। आगे ऊपरी परे, तो ऊपरी परे का मतलब क्या होता, ऊपर की ओर, ठीक है, क्या होता है, ठीक ऊपर। अद्यत माने, अद्यत माने होता पास, और अधोअधा माने होता है ठीक नीचे, ठीक है। हाँ, तीनों के अर्थ समझिएगा। तो ऊपर ऊपर का एक उदाहरण ले लेते हैं, उसी उदाहरण को हम सभी में निपटा देते हैं। ऊपर परि लोकम हरि, ठीक है, कार की ठीक ऊपर क्या है, इस लोक के ठीक ऊपर क्या है, हरि है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, अध्यदि लोकम हरि, ये कहा कि इस लोक के ठीक पास में, इस लोक के पास में हरि है। और इसी को ले लेते हैं, अधो अधा लोकम हरि, इससे आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है, समझ में अच्छा आएगा। क्यों कहा कि इस लोक के ठीक नीचे लोक हरि है, तो भैया नीचे नागलोक है, वहां भी विष्णु भगवान लेटे हैं, बीच में पृथ्वी लोक है, और उसके ऊपर जो है क्या है, देवलोक है। तो इन सभी में का ठीक नीचे, ठीक ऊपर, ठीक पास में, तो भैया इसके पास ये पृथ्वी लोक है, दोनों के पास सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कहा कि किसके पास है, लोक के पास, किसके ठीक ऊपर, लोक के, किसके ठीक नीचे, लोक के, तो लोक शब्द में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। एट लास्ट सूत्र है, क्योंकि एक एक विभक्ति आप पढ़ते चलिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। काराध्वनोरंत संयोग वेरी इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनता है, वही लिया, वैसे तो कारक बहुत है लेकिन इंपोर्टेंट ही लिया है। यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो, निरंतर हो, और कालवाची माने समयवाची, समयवाची पद में द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि अद्व माने होता मार्गवाची, दूर में कोई वस्तु लगातार हो, दूरी में कहा कि ये यहां से यहां तक लगातार है, उस मार्गवाची शब्द में द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे पहले हम कालवाची ले लेते हैं, कालवाची, कालवाची को समझिए, समयवाची, कालवाची, ठीक है, बहुत अच्छे से। लास्ट है, 5 मिनट की और क्लास है, परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, तो अभी कितनी, 35 मिनट तो वही है कुल, 35 40, बस आपकी 40 45 मिनट में समाप्त हो जाएगी। जैसे छात्रा मासम अदिति, समझना इसको, मास क्या है, महीना है, और महीना क्या होता है, समय, एक मास का समय, ठीक है, माह, एक माह का समय। तो छात्र 1 महीने पढ़ता है, अब कैसा पढ़ता है, जैसे आप लगातार डेली मेरी क्लास ले रहे हैं, 2 4 महीने से, कोई 1 महीने से, कोई 1 साल से, ठीक है। तो भैया इस समय को क्या कहेंगे, कालवाची कहेंगे। तो कालवाची शब्द में सीधा कहा गया द्वितीय व्यक्ति होती है, किस सूत्र से, कालाध्वनोरंत संयोगति, तो मासम में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए अन्य उदाहरण ले लेते हैं, काल वाले, काल वाले और भी उदाहरण एक दो ले लेते हैं, ठीक है। तो छात्रा समझ में आ जाएगा, क्रोशम, ठीक है, एक मिनट, क्रोशम नहीं, अभी हम उसका कर रहे हैं कालवाची का, समय का ले लीजिए, छात्रा सप्ताहम पठिष्यति, वह छात्र 1 सप्ताह तक पढ़ता है, सः रामायणम अधीते, वह सह मासम रामायण, ऐसा कर लीजिए, मासम मासम सह मासम रामायणम अधीते, वह मास भर रामायण को पढ़ता है। तो ये कालवाची है, समयवाची, सप्ताह भर, मास भर।
अब देखो मार्गवाची, मार्गवाची क्या है इसको देखिएगा, ठीक है। मार्गवाची जैसे मैंने लिया गोपालः क्रोशम, गोपाला क्रोशम अधीते। अब ये सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्यों? गोपाल कोस भर पड़ता, मतलब उसका ये घर था, एक कोस यानी कि 3 किलोमीटर उसका विद्यालय था, स्कूल था, ठीक है। हाँ समझिए, तो कहा कि वह जब रास्ते में जाता है तो पढ़ते हुए जाता, लगातार छोड़ता नहीं है। तो कहा कि ये कोसवर, तो कोसवर जाता है, जो बीच में कोस आ रहा है भैया मार्गवाची है। कैसा है? मार्गवाची, राइट। मार्गवाची शब्दों के योग में क्या होगी? द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, तो क्रोसम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्रोसम कुटिला नदी, कहा कि कोसवर नदी टेढ़ी है, ठीक है। कोसवर क्या है? नदी टेढ़ी है, तो भैया कोसवर नदी टेढ़ी है तो क्रोसम में क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कोसवर नदी टेढ़ी है तो एक कोस तक है जाएगी, तो लगातार बात आ रही किसकी? मार्गवाची, लगातार मार्गवाची, क्लियर है, समझ गए। इसी प्रकार से अगर कोई भी आए, क्रोशम गिरी, क्रोशम गिरी वर्तते, कहा कि कोसवर जो है, गिरी माने होता पर्वत, विस्तृत है, बड़ा हुआ, कहा कि यहां से लेकर यहां तक जो है पर्वत बना हुआ, ठीक है। तो यहां पर लगातार बना हुआ, अब ऐसा नहीं है कि यहां पर्वत था, यहां फ्लैट आ गया, फिर पर्वत हो गया, फिर फ्लैट, ऐसा नहीं है, ये और पर्वत ऐसा बना हुआ लगातार, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो भैया कोसवर बना हुआ। तो ऐसे शब्द जहां भी आए वहां क्या होगा? वहां आपका मार्गवाची शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थी आपकी द्वितीय व्यक्ति, तो आपने कालवाची समयवाची पढ़ लिया, ठीक है, तो आपकी द्वितीय व्यक्ति समाप्त, ठीक है। 4:30 सॉरी आपके जो है लगभग 40 मिनट प्लस हो गए हैं, तो इतनी क्लास बहुत है, इसको 2-3 बार देख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।